ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां भारती के संतानों को आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर मिला है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से आज यहां बर्लिन पहुंचे हैं। आज सुबह मैं बहुत हैरान था कि ठंडी का समय है, यहां भारत में गर्मी बहुत है इन दिनों, लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह 4 साढ़े 4 बजे आ गए थे। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मैं जर्मनी पहले भी आया हूं, आप में से कई लोगों से पहले भी मिला हूं, आप में से कई लोग जब भारत आए हैं तब भी कभी कभी मिलने का मौका मिला है। और मैं देख रहा हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, ये बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और इसके कारण युवा जोश भी है। लेकिन आपने अपने व्यस्तपल समयों में से ये समय निकाला, यहां आए, मैं हृदय से आप सबका बहुत आभारी हूं। अभी हमारे राजदूत बता रहे थे कि यहां संख्या की दृष्टि से तो जर्मनी में भारतीयों की संख्या कम है, लेकिन आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है। आपके जोश में कोई कमी नहीं है। और ये दृश्य आज जब हिंदुस्तान के लोग देखते हैं तो उनका भी मन गर्व से भर जाता है। दोस्तों, साथियों, आज मैं आपसे न मैं मेरी बात करने आया हूं, न मोदी सरकार की बात करने आया हूं, लेकिन आज मन करता है कि जी भर के आप लोगों को करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सामर्थ्य की बात करूं, उनका गौरवगान करूं, उनके गीत गाऊं। और जब मैं कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की बात करता हूं तो सिर्फ वो लोग नहीं जो वहां रहते हैं, वे लोग भी जो यहां रहते हैं। मेरी इस बात में दुनिया के हर कोने में बसने वाले मां भारती के संतानों की बात है। मैं सबसे पहले जर्मनी में सफलता के झंडे गाड़ रहे आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का यह समय भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए और विशेष करके हमारे नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज
भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। और आप भी जानते हैं कि जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मन चाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। आज का आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। वो जानता है कि इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रबल इच्छा शक्ति कितनी आवश्यक है, कितनी अनिवार्य है, वो आज का हिंदुस्तान भली भांति समझता है। और इसलिए भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। भारत के मतदाता को पिछले 7-8 साल में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है, उसका एहसास होने लगा है। सकारात्मक बदलाव और तेज विकास की आकांक्षा ही थी कि जिसके चलते 2014 में भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी और 30 साल के बाद ऐसा हुआ है। ये भारत की महान जनता की दूरदृष्टि है कि साल 2019 में उसने देश की सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। भारत को चौतरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके, खुद को खपाकर, कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गंवाएगा, भारत अब समय नहीं खोएगा। आज वक्त क्या है, इस वक्त का सामर्थ्य क्या है
और इसी वक्त में पाना क्या है वह हिंदुस्तान भली भांति जानता है। साथियों, इस साल हम अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, अभी 25 साल हमारे पास है, उस समय देश जिस ऊंचाई पर होगा, उस लक्ष्य को लेकर के आज हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम रख करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत में ना कभी साधनों की कमी रही और ना ही संसाधनों की कमी रही। आजादी के बाद देश ने एक मार्ग तय किया, एक दिशा तय की, लेकिन समय के साथ जो बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए थे, जिस तेजी से होने चाहिए थे, जितने व्यापक होने चाहिए थे, किसी न किसी कारण से हम कहीं पीछे छूट गए। विदेशी हुकूमत ने भारतीयों का साल दर साल जो आत्मविश्वास कुचला था, उसकी भरपाई का एक ही उपाय था, फिर से एक बार भारत के जन जन में आत्मविश्वास भरना, आत्मगौरव भरना, और उसके लिए सरकार के प्रति भरोसा बनना बहुत जरूरी था। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी। शक के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत में जो देखा था उसमें उसके परिवर्तन नजर आए, उसके लिए जो गति चाहिए उस गति का अभाव था। और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जहां जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत न हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। साथियों, देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग, जनता जनार्दन स्वयं उसके विकास का नेतृत्व करे। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग आगे आकर के उसकी दिशा तय करें। अब आज के भारत में
सरकार नहीं, मोदी नहीं, बल्कि देश की कोटि कोटि जन ड्राइविंग फोर्स पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए। और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ईज ऑफ मोबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। वही देश है जो आपको आप जिसे छोड़कर के आए थे ना, यहां देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है, वही सरकारी मशीन है। लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। साथियों, 2014 से पहले जब भी मैं आप जैसे साथियों से बात कर रहा था तो एक बहुत बड़ी शिकायत, और आपको भी पुराने दिन याद होंगे या कभी आज जाते होंगे तो देखते होंगे, जहां भी देखो लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहां होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गतिशक्ति इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। हम हर डिपार्टमेंटल साइलोज को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अब सरकारें, सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम एडवांस में प्लान कर रहे हैं। इस नई अप्रोच ने डेवलपमेंट के कार्यों की स्पीड को बढ़ा दी है और स्केल भी बढ़ा दिया है।
और भारत की आज अगर जो सबसे बड़ी ताकत है तो वो स्कोप है, स्पीड है और स्किल है। आज भारत में सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज भारत में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सहमति का एक वातावरण बना है, तो दूसरी तरफ नई स्वास्थ्य नीति, उसको लागू करने पर काम चल रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे शहरों को एयर रूट से जोड़ा जा रहा है। भारत में मेट्रो कनेक्टिविटी पर जितना काम आज हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत में आज रिकॉर्ड संख्या में नए मोबाइल टावर्स लग रहे हैं। अब भारत 5G दस्तक दे रहा है भारत में भी। भारत में आज रिकॉर्ड संख्या में गांवों का ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। कल्पना कर सकते हैं, 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचेगा। हिंदुस्तान के गांव दुनिया के साथ किस प्रकार से अपना नाता जोड़ेंगे, इसके आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में और जर्मनी में बैठे हुए आप लोग इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे, भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है और इतना ही नहीं, थालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, कान खोल दो, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अब भारत छोटा नहीं सोचता है, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। साथियों, मैं एक और बात आपको बता दूं, जिसे जानकर पता नहीं आप बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आपको जरूर अच्छा लगेगा। भारत में अब ट्रेवल करते समय, कहीं आते जाते समय जेब में कैश लेकर चलने की मजबूरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दूर सुदूर के गांव तक भी अपना मोबाइल फोन पर ही हर तरह के पेमेंट आपके लिए काफी है। दोस्तों, साथियों, आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है, वो नए भारत की नई पॉलिटिकल विल भी दिखाता है और डेमोक्रेसी की डिलीवरी क्षमता का भी प्रमाण है। आज केंद्र, राज्य और लोकल सरकारों की लगभग, ये भी आंकड़ा थोड़ा अजूबा, आज आपके लिए अजूबा होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी करीब करीब 10,000 सेवाएं, 10,000 सर्विसेज
ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बीते 7-8 साल में भारत सरकार ने, आंकड़े याद रहेंगे, मैं इतना सारा बता रहा हूं, 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और उसके कारण जो भरोसे की खाई थी उस खाई को भरने का बहुत बड़ा काम इन नीतियों के कारण, इस नियत के कारण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया है। साथियों, ऐसे टूल्स जब हाथ में आते हैं, जब नागरिक एम्पावर होता है, तो बहुत स्वाभाविक है वो आत्मविश्वास से भर जाता है, वो खुद संकल्प लेना शुरू करता है और उस स्वयं संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करके देखता है और तब जाकर के देश दोस्तों आगे बढ़ता है। और इसलिए दोस्तों, नया भारत आप सिर्फ सिक्योर फ्यूचर की नहीं सोचता, बल्कि भारत रिस्क लेता है, इनोवेट करता है, इंक्यूबेट करता है। मुझे याद है 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। कितने, जरा याद रख के बोलो ना यार। हाँ, और आज 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स, आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स,
दोस्तों मुझे बताइए, आपने सुनने के बाद कहां 400 कहां 68,000, 200-400 से 68,000, आपका सीना गर्व से भर गया कि नहीं भर गया? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? और साथियों इतना ही नहीं, सिर्फ स्टार्टअप्स की संख्या एक बात है, आज दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और अब मामला यूनिकॉर्न पर अटका नहीं है दोस्तों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखते ही देखते डेकाकॉर्न भी बन रहे हैं, यानी 10 बिलियन डॉलर का लेवल भी पार कर रहे हैं। मुझे याद है मैं जब गुजरात में सीएम वाली नौकरी करता था, और किसी भी हमारे साथी बाबू को पूछता है बच्चे क्या करते हैं, तो बोले आईएएस की तैयारी करता है, ज्यादातर यही कहते थे। आज भारत सरकार में बाबुओं से पूछता हूं भाई क्या करते हैं, बेटे बेटी क्या कर रही है, बोले साहब वो तो स्टार्टअप में लग गए। ये परिवर्तन छोटा नहीं है दोस्तों। साथियों मूल बात क्या है? मूल बात यही है, आज सरकार इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर डालकर नहीं, उनमें जोश भर करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। अगर आपको जियो स्पेशल क्षेत्र में इनोवेशन करना हो, नए तरह के ड्रोन बनाना हो, या स्पेस के क्षेत्र में कोई नई सैटेलाइट या रॉकेट बनाना हो, इसके लिए सबसे खुला सबसे नर्चरिंग वातावरण आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है दोस्तों। एक समय में भारत में कोई नई कंपनी रजिस्टर कराने चाहता था तो उसे रजिस्ट्री में कागज डालने के बाद वो भूल जाता था, तब तक रजिस्ट्री नहीं होती थी, महीने लग जाते थे। जब भरोसा बढ़ जाता है सरकार का, नागरिकों पर भरोसा बढ़ता है, नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है, अविश्वास की खाई खत्म होती है। नतीजा ये आता है कि आज अगर कंपनी रजिस्टर करनी है तो 24 घंटे लगते हैं दोस्तों, तो 24 घंटे। बीते कुछ वर्षों में सरकार की एक आदत थी, एक चैम्बर हो ऑफिस का, 6 टेबल हो, नंबर एक ने जनवरी में आपसे कुछ चीजें मांगी, नंबर दो के टेबल वाला फरवरी में फिर वही मांगेगा, फिर नंबर पांच वाला टेबल फरवरी एंड में कहेगा यार वो कागज लाओ जरा मुझे जरूरत है। यानी नागरिकों को लगातार हजारों की तादाद में दोस्तों कंप्लाइंट, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, और वो लेकर के क्या करते थे वो जाने और आप जाने। साथियों आप हैरान हो जाएंगे, अब ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, 25,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म की है हमने। इतना ही नहीं, मैं 2013 में
चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरी पार्टी ने घोषित कर दिया था कि इसको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। तो मैं जाता गया से भाषण करता था लोगों से। तो एक दिन दिल्ली में सब व्यापारियों ने मुझे बुलाया, तो व्यापारी का बड़ा सम्मेलन था और उसमें जो मेरे आगे सज्जन बोल रहे थे वो कह रहे थे, देखिए वो कानून बना है, वो कानून बना है, ये कानून बना है, इसका कानून बना, सारा ढेर सारे कानून बता रहे थे। अब चुनाव के समय तो सब लोग यही कहते हैं, ठीक है मैं कर लूंगा। लेकिन दोस्तों मैं जरा दूसरी मिट्टी का इंसान हूं, तो मैं भाषण देते देते खड़ा हुआ, ये 2013 की बात है, मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। मैंने कहा भाई आप लोग कानून बनाने की बात करते हैं, मैं तो मेरा तो इरादा ही अलग है, मुझे पता नहीं मैं आपको बताऊंगा वोट दोगे कि नहीं दोगे, मेरी तो छुट्टी कर दोगे आप लोग। मैंने कहा मैं आपको वादा करता हूं मैं हर दिन एक कानून खत्म करूंगा आकर के। बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ था कि यह इंसान को कुछ समझ नहीं है, राज्य सरकार क्या होती है, ऐसे ही माना होगा और क्या। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको मेरा हिसाब दे रहा हूं, पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म कर दिए दोस्तों। ये सब क्यों, ये नागरिकों पर ये कानूनों की जंजाल का बोझ क्यों? ये भारत देश आजाद हो चुका है ना, देश मोदी का नहीं है, देश 130 करोड़ नागरिकों का है। अब देखिए देश में, पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान दो थे, क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट, मालूम है ना दो संविधान थे, सात दशक हो गए दोस्तों, सात दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते, अब लागू हुआ दोस्तों। साथियों जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं दुनिया का छाय छयकार हो जाता है। यही दोस्तों यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। आप में से जो लोग वर्षों से भारत नहीं गए हैं, शर्मिंदगी मत महसूस करो, लेकिन उनको जरूर लगता होगा कि आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे। जी नहीं साथियों, आपका आंसर गलत है। मोदी ने कुछ नहीं किया है, 130 करोड़ देशवासियों ने किया है। साथियों ग्लोबल होते भारत में आपका योगदान भी बहुत होने वाला है, अहम होने वाला है। आज भारत में लोकल के प्रति जो क्रेज पैदा हुआ है वो वैसा ही है जब आजादी के आंदोलन के समय
स्वदेशी वस्तुओं के लिए पैदा हुआ था। अरसे तक हमने देखा कि लोग ये बताया करते थे कि ये चीज हमने उस देश से खरीदी है, ये चीज उस देश की है, लेकिन आज भारत के लोगों में अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर के गर्व की नई अनुभूति आई है। आपको भी पता होगा, आज से 20 साल 10 साल पहले जब आप घर चिट्ठी लिखते थे कि मैं फलानी तारीख को आ रहा हूं, तो फिर घर से चिट्ठी आती थी, आते समय ये ले आना। आज जब जाते हो तो घर से चिट्ठी आती है कि यहां सब मिलता है, मत लाना। मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? यही है ना। दोस्तों, यही ताकत है। और इसलिए मैं कहता हूं, वोकल फॉर लोकल। लेकिन आपका लोकल यहां वाला नहीं। दोस्तों, ये जो दम पैदा हुआ है ना, इस चीज को बनाने में किसी भारतीय की मेहनत लगी है, उस हर प्रोडक्ट के किसी भारतीय के पसीने की महक है दोस्तों, उस मिट्टी की सुगंध है दोस्तों। और इसलिए जो हिंदुस्तान में बना हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा हो, वो हमारे लिए फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, एक बार ये फीलिंग अनुभव करेंगे ना, तो वाइब्रेशन अगल बगल में पहुंचते देर नहीं लगे लोगों। और फिर देखना जब जाओगे आप कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो यहां से लोग चिट्ठी देंगे कि वापिस आते से मैं हिंदुस्तान से ले आना। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देशियों में एक शानदार उदाहरण बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। और मैं उदाहरण देना चाहूं खादी, आप में से सब खादी को जानते हैं, खादी और नेता। चोली दामन का नाता था, नेता और खादी अलग नहीं होते थे। खादी आते ही नेता दिखता था, नेता दिखते ही खादी दिखती थी। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व तो नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बिड़ा उठाया, मैंने कहा भी आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, यहां की साड़ी है, यहां की साड़ी है, यहां का कुर्ता है, कहते हैं ना। हाँ बोलो तो सही। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था यार एक आध खादी भी तो रख लो, मेरे पास ये फैब्रिक है, खादी भी रख लो। साथियों, बात बहुत छोटी थी,
लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जानकर के आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1,00,000 करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ। कितने गरीब विधवा माताओं को रोजी रोटी मिली होगी। देखो, पिछले 8 साल में खादी के उत्पादन में जो लगभग 125% की वृद्धि हुई है। और आप दायरा देखिए दोस्तों, मैं जिस मिजाज से स्टार्टअप की बात करता हूं ना, उसी मिजाज से खादी की भी बात करता हूं। जिस मिजाज से मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, उसी मिजाज से मैं सॉइल की भी बात करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा आगे कि भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में आप भी मेरा साथ दीजिए। यहां के लोगों को भारत के लोकल की विविधता, भारत के लोकल की ताकत, भारत के लोकल की खूबसूरती से परिचित आप बहुत आसानी से करवा सकती है। सोचिए, दुनिया में इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा, हर देश में फैला इंडियन डायस्पोरा, और इंडियन डायस्पोरा की विशेषता यह है, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है ना, वैसा ही मिल जाता है ये। और पता ही नहीं चलता, वैल्यू एडिशन कर देता है, दूध को मीठा बना देता है। जिसके पास ये सामर्थ्य है, वह आसानी से हिंदुस्तान के लोकल को अपने प्रयासों से जर्मनी की धरती पर ग्लोबल बना सकता है। करोगे? कैसी आवाज दब गई? करोगे? कहने में क्या जाता है, मोदी जी कहां दोबारा आए? दोस्तों, मैं आप पे भरोसा करता हूं, आप करेंगे, मुझे विश्वास है दोस्तों। मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, हमारा योग हो, हमारा आयुर्वेद हो, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रोडक्ट्स हो, आप कल्पना नहीं कर सकते इसका आज इतना पोटेंशियल है। आप हिंदुस्तान से हैं ऐसा कहते ही सामने वाला आपको पूछता होगा, योग जानते हो? पूछता है कि नहीं पूछता है? और आप कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ नाक पकड़ना बता दोगे तो भी मानेगा, हाँ यार ये मास्टर है। भारत के ऋषि मुनियों की तपस्या की आबरू इतनी है कि आप एक छोटा सा बोर्ड लगा दो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर दो और नाक पकड़ना सिखा दो, डॉलर देकर के फी लेने देने आएगा कि नहीं आएगा? क्या ब्रांड वैल्यू बनाई होगी आपने ऋषियों ने साहब? हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जो तप करके छोड़ दिया रास्ता, आज दुनिया गला लग रही है, लेकिन क्या आप उसके साथ जुड़े हैं क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, बहुत दूर नहीं है, अभी से टोलियां बनाकर के चारों तरफ छा जाइए दोस्तों, हर किसी को नाक पकड़ना सिखा दो दोस्तों। नाक काटना नहीं सिखाना है,
साथियों, आज आपके बीच एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं, वो है क्लाइमेट एक्शन। भारत में क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हम पीपल पावर से टेक पावर तक हर समाधान पर काम कर रहे हैं। बीते 8 साल में हमने भारत में एलपीजी कवरेज को 50% से आसपास से बढ़ाकर करीब करीब 100% कर दिया। भारत का एलईडी बल्ब, आप जर्मनी वाले हैं तो जरा बल्ब वाली बात जल्दी समझोगे, भारत का लगभग हर घर अब एलईडी बल्ब उपयोग कर रहा है। स्ट्रीट लाइट्स एलईडी हुए। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं, 37 करोड़। और एलईडी बल्ब का उपयोग ऊर्जा बचत के लिए होता है, एनर्जी सेविंग के लिए होता है। और आप जर्मनी में सीना ठोक करके लोगों को कह सकते हैं कि भारत ने छोटा सा परिवर्तन लाकर के क्या किया है, और इसके कारण लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। और प्रतिवर्ष करीब करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है, 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एक योजना ने एनवायरमेंट की कितनी बड़ी रक्षा की है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज भारत अभूतपूर्व स्तर पर ग्रीन जॉब्स के क्षेत्र में एक नया क्षेत्र खोल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि भारत और जर्मनी ने भी क्लीन एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की तरफ कदम उठाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का भी फैसला किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारतीयों ने देश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट, यानी आप अंदाज कर सकते हैं जी क्या क्या मैं बता रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 नए अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लिया है, तालाब बनाने का। यानी देश में करीब करीब आने वाले 500 दिवस में, 500 डेज में 50,000 नए वाटर बॉडीज बनेंगे, पॉन्ड्स बनेंगे, या तो पुराने पॉन्ड को पुनर्जीवित किया जाएगा। जल ये जीवन है, जल है तो कल है, नारे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जल के लिए भी तो पसीना बहाना पड़ता है दोस्तों। क्या आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं? आप जिस गांव से आए हैं, उस गांव में एक तालाब बने, उस तालाब बनाने में आपका भी सहयोग हो, आप भी उनको प्रेरित करें और आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनाने में दुनिया में फैले हुए हर हिंदुस्तानी का योगदान था। आप कल्पना कर सकते हैं आपको कितना आनंद होगा। साथियों, भारत की बेहतरीन समझ रखने वाले मशहूर जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने इंडो यूरोपियन वर्ल्ड के शेयर्ड फ्यूचर की बात की थी। आप में से सब लोग यहां दिन में 10 बार उसका उल्लेख करते होंगे। 21वीं सदी में उनको जमीन पर उतारने का ये बेहतरीन समय है। भारत और यूरोप की मजबूत साझेदारी दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित कर सकती है। ये साझेदारी निरंतर बढ़ती रहे, आप भी इसी उत्साह और उमंग के साथ मानव कल्याण के लिए, भारत के कल्याण में कुछ न कुछ योगदान देते रहे, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। साथियों, आप जहां हो बहुत आगे बढ़ो, फलो फूलो, आपके सारे सपने पूरे हो, ये मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।